बिहार एनडीए में भी तनातनी की खबरें सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हारा हूँ या हराया गया हूँ ये सबको पता है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया ये भी सभी को मालूम है। कुशवाहा बिहार के काराकाट लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे, मगर उन्हें यहां करारी हार झेलनी पड़ी। वो तीसरे स्थान पर रहे। काराकाट लोकसभा सीट से सीपीआईएम के राजा राम सिंह ने बाजी मारी है। उन्होंने निर्दलीय पवन सिंह को 1,05,858 वोटों से हरा दिया। राजा राम सिंह को 3,80,581 वोट मिले हैं। वहीं पवन सिंह 2,74,723 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। कुशवाहा को 2,53,876 लाख वोट हासिल हुए हैं। पवन सिंह और कुशवाहा के बीच वोट का अंतर 20,000 महज था। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पहले के दो चुनाव में लगभग क्लीन स्वीप कर देने वाली बीजेपी इस बार यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव हार गए। सहयोगी दलों को भी बड़ा झटका लगा है। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भी चुनाव हार गए। बेटे की हार पर संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से मेरा बेटा चुनाव हार गया। यूपी में बीजेपी को 33 सीटें आई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन किया, उसे 37 सीटें मिली हैं। संजय निषाद प्रवीण निषाद की संत कबीर नगर से हार हुई है। सपा के लक्ष्मीकांत निषाद ने प्रवीण निषाद को 92,170 वोट से हरा दिया। लक्ष्मीकांत निषाद को 4,98,695 वोट मिले हैं, जबकि प्रवीण को 4,06,525 वोट हासिल हुए। वहीं यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। हम इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। कुछ उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी थी, इसका आंकलन नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए, उनके बयानों ने नुकसान पहुंचाया। राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। संजय निषाद के बेटे प्रवीण को संत कबीर नगर से हार का सामना करना पड़ा।